2019 का जो यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस थे भारत के, जिससे उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया मगर हमारा बायलैटरल अरेंजमेंट्स को भी वायलेट किया बाय टेकिंग दीज यूनिलैटरल स्टेप्स। उस एक उनका एक ये कदम ने ऐसे हालात तब्दील कर चुके हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए अपने ताल्लुकात। हमारे लिए भी वो स्पेस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से बातचीत नहीं हो सकती, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौकिफ। भारत के शहर गोवा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर पर यक तरफा फैसले करके भारत ने ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत ने अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर पर यक तरफा इकदाम उठाया। भारत के यक तरफा इकदाम से ताल्लुकात मुतासर हुए। What it would mean for your people if a disaster of this scale were to proportionately affect your country? What would 1/3 of India's landmass look like underwater? How would the people of China be tested if 1 in 7 people remain climate refugees overnight? This was a reality for my country, my people, only last year. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के मामले पर भारत को खरी खरी सुना दी। शंघाई तआवुन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, यूएन करारदातों के मुनाफी यकतरफा रियासती इकदामात शंघाई तआवुन तंजीम के मकासद के खिलाफ हैं। सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने के चक्कर में ना पड़ें। खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन इंतहाई ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, गुरबत खित्ते को लपेट में ले रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद पर भारतीय वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। इस नतीजे पर पहुंचे हैं, मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। पीटीआई और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ ये देखना है किसी तारीख पर इत्तफाक हुआ या नहीं। कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। एक ही रोज इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है, दोनों फरीकैन को लचक दिखानी चाहिए। बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन होते रहे हैं, तुर्की में जलजले के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं। अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, आइन के मुताबिक ही आइन का दिफा करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट हमारी और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायजा लें, जो बात यहाँ हो रही है उसका लेवल देखें। हमने सुमोटो लेने छोड़ दिए हैं, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। अदालत के सामने सिर्फ फंड्स और सिक्योरिटी का मामला उठाया गया, कम अज कम फंड्स तो जारी हो सकते थे। नेक नियति दिखाने के लिए इकदाम उठाना पड़ते हैं। IMF वाला मामला ना हमें मालूम है ना सुनना चाहते हैं, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बामानी मुज़ाकरात किए, कोई डिले नहीं किया और हम आज फिर कहते हैं हम अपनी आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते। एक सियासी खींचातानी का माहौल है और IMF का मुआहदा नहीं हुआ, हमने तमाम शर्तें भी पूरी कर दी हैं। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में? क्यों ज़रूरी है कि इंतखाबात जो हैं वो 14 तारीख को हों या उसके 10 दिन बाद हों? हमने लचक भी दिखाई है, मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कुछ वक्त दें, मुज़ाकरात से ही सियासी बहरान का हल निकल सकता है। हुकूमत अपनी मुद्दत से 1 घंटा भी ज़्यादा नहीं रहना चाहती, मुल्क की कीमत पर इलेक्शन नहीं चाहते। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुस्तकिल कोई भी ओहदे पर नहीं रहना चाहिए, चाहते हैं शफाफ इलेक्शन हों और सब इन नतज को तस्लीम करें। अदालत हिदायत ना दे, हम खुद मिल बैठेंगे। सिंध और बलोचिस्तान में असम्बलियाँ बहुत हसास हैं, दोनों असम्बलियों को पंजाब के लिए वक्त से पहले तहलील करना मुश्किल काम है। सलाब और मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत पर इंतखाबात में ताखीर हुई, इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है, कोई भी इदारों में तसादुम नहीं चाहता। अवाम को साफ पानी तो दे नहीं सकते, इदारों में तसादुम के मुतहम्मिल कैसे हो सकते हैं? आज भी आए बाएं शाएं
और उस प्रपोजल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को दो खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नज़र कर रहे हैं। अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, वन डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नतायज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? आप तो उसी बात पर अड़े हुए हैं। हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने कोई नई बात नहीं की। हुकूमती बेंचेस से अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी और तकबर वाली बातें आ रही हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पूरी कोशिश की कि मुजाकरात नतीजा खेज हो सकें, जितनी गुंजाइश की तवक्को थी उतनी नहीं मिली। हम मुजाकरात कर रहे हैं, ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं, आइन को क्यों दाव पर लगाया जा रहा है। आईएमएफ के साथ मुजाकरात में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, मुल्क को आईनी बहरानों की तरफ धकेला जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिले समाअत करार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें खारिज कर दी। सेशन कोर्ट का इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला जाती हैसियत में तलब कर लिया। हुकूमती इतिहाद और अपोजिशन मुल्क भर में एक ही रोज इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक। असेंबलियां कब तहलील होंगी, इत्तफाक नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा वजीर खजाना इसहाक डार ने जवाब अटॉर्नी जनरल के जरिए अदालत में जमा कराया। हुकूमत की जानिब से कहा गया, इलेक्शन के मामले पर फरीकैन के दरमियान मस्बत पेशरफ्त हुई। दोनों जानिब से मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात पर आमादगी जाहिर की गई। कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, इस मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। असम्बलियों को वक्त से पहले तहलील करने पर भी गौर किया गया। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार हैं। सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी, प्लीज मूव द बिल। आई सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी मूव दैट द बिल टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स टू रिव्यू इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर्स। द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 एज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर। कानून साजी के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा आ रही। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हुकूमत ने शोर शराबे के दौरान बिल मंजूर करा लिया। बिल के हक में 32 जबकि मुखालफत में 21 वोट आए। कायद हिजब इख्तलाफ शहजाद वसीम फर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर पर भड़क उठे। कहा, ऐवान को दुकान करार देने वाले खुद दुकानदार हैं। सेनेटर एजाज चौधरी ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के दौरे भारत को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा नहीं वजीर सयाहत हैं, इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शरीक हो सकते थे। ये दौरा मोदी से पींग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। चीनी वजीर खारजा आज दो रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ओहदा संभालने के बाद चीनी वजीर खारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और चीनी हम मनसब मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे, जिसमें तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। कायम मकाम अफगान वजीर खारजा भी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। मौलवी मुतक्की कल चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान वजरा खारजा के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। परवेज़ इलाही के घर छापा मारने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन की जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सरकारी वकील ने बताया, अदालती अहकाम के बाद डीजी एडिशनल ने अवाम में जाकर माफ़ी मांग ली है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, हमने तो अवाम में जाकर माफ़ी मांगने का हुक्म नहीं दिया था। रिपोर्ट में ये बात निकालें कि अदालती हुक्म पर माफ़ी मांगी गई, समझ नहीं आती हर केस में गिरफ्तारी क्यों दरकार होती है। पीर तक गिरफ्तार नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार आमने सामने। एक्टिंग सेक्रेटरी हिफ्जा बुखारी ने 10 अरकान की मंजूरी से अपने सदर आबिद जुबैरी को मुअत्तल कर दिया। आबिद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मामला से मुतालिक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी बार को पाकिस्तान बार की जानिब से डी सीट करने के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी आटे का बहरान शदीद। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3,100 रुपए तक पहुंच गई। फ्लार मिल्स मालिकान की हड़ताल और आटा चक्कियों की बंदी से मामलात मजीद पचीदा होने लगे। शहरियों के लिए खुले आटे का हसूल भी मुश्किल हो गया। सिंध हुकूमत का कराची समेत सुबह भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 8 मई से लेने का ऐलान। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं सिंध के तमाम डिविजन्स में 2 शिफ्टों में इम्तिहान लिए जाएंगे। इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इम्तिहान बाद में लिए गए तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने से तलबा को मुश्किलात का सामना होगा। सिंध हुकूमत का वफाक और के इलेक्ट्रिक से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग ना करने का भी मुतालबा। काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मोगा सिस्टम बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। समोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, कभी आपने सोचा था मई में ऐसा मौसम होगा? ये कुदरत का इंतकाम है। सैलाब से बलूचिस्तान की तबाही देख लें, ये लाहौर का भी रुख करेगी। अगर दोबारा बारिश आ गई तो लाहौर डूब जाएगा। अदालत का पानी बेदरेक जाया करने पर भी इजहार बरहमी। कहा MD वासा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो अदालत MD के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अदालत का हर स्कूल में पौधे लगाने के अमल को यकीनी बनाने का हुक्म। DGPHA को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स लेने और हर समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। और एक टिकट में 2 मजे, फिल्म भी देखें और इनाम भी जीतें। फाइनेंस बज नामी वेबसाइट का फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म सीरीज की तमाम 10 एक साथ देखने पर इनाम का ऐलान। इनाम देने के लिए बस इतना बताना है कि सीरीज के दौरान किस गाड़ी की टक्कर किसके साथ हुई।